नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चली। वहीं आपको बता दें 370 निकायों के लिए 6,929 विभिन्न पदों पर 39,146 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम और बैलेट बॉक्स में कैद हो गई है। वहीं 13 मई को रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि कौन बना है नगर का बादशाह, किसकी बनी है शहर में सरकार। यूपी में निकाय चुनाव के लिए दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों ने इस निकाय के सत्ता को हासिल करने के लिए खूब जी जान लगा दी थी और प्रत्याशियों के समर्थन में जमकर रैलियां भी की थी। 4 मई और 11 मई को निकाय के लिए वोटिंग हो गई है। अब सभी लोगों को 13 तारीख का इंतजार है, जिसमें पता चलेगा कि इस निकाय की सत्ता पर किसका कब्जा रहेगा और कौन सी पार्टी निकाय के जंग में अपना रंग जमा पाएगी, ये भी पता चलेगा। साथ ही ये भी कि निकाय में ट्रिपल इंजन की सरकार बन पाती है या फिर विपक्षी पार्टी सत्ता पक्ष के लोगों को दबाते इस चुनाव में सबसे आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ इस निकाय चुनाव में लखनऊ के साथ साथ शाहजहांपुर की सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शाहजहांपुर में पहली बार महापौर और पार्षद को चुना जाएगा। इसी के साथ अयोध्या, कानपुर, आजमगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज वो जगह हैं जो अहम रखती हैं पार्टियों को इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। कौन बनेगा नगर का राजा? निकाय के रण में किसका होगा विजय तिलक? निकाय चुनाव में जाति समीकरण रहा हावी? 13 मई को पता चलेगा कौन होगा सत्ता पर काबिज। सबसे पहले शाहजहांपुर की बात करें तो नगर निगम के गठन के बाद शाहजहांपुर में पहली बार मेयर पद के लिए चुनाव हुआ है। शाहजहांपुर में नगर निगम में महापौर का पद ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है। शाहजहांपुर नगर निगम चुनाव में करीब 3.26 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें सर्वाधिक मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 1 लाख है। मुस्लिम के बाद दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक दलित वर्ग का है। दलित वर्ग के करीब 70,000 से अधिक मतदाता हैं। तीसरे स्थान पर वैश्य मतदाता हैं। वैश्य समाज के 60,000 से अधिक मतदाता हैं। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, लोधी समाज के मतदाताओं की संख्या 10 से 25,000 के बीच आंकी जाती है। ऐसे में परंपरागत वोट बैंक के लिहाज से शाहजहांपुर काफी विशेष जगह है। ये वो जगह है जो यूपी के सियासी समीकरण के मुख्य जगहों में से एक मानी जाती है। गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। इस लिहाज से यह भी इलाका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले 28 साल से गोरखपुर की मेयर सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। गोरखपुर नगर निगम और 11 नगर पंचायतों में कुल 13,66,813 वोटर हैं। वहीं नगर निगम प्रयागराज में महापौर पद के लिए 5 चुनाव हुए हैं, जिसमें सभी महापौर सामान्य वर्ग के ही रहे। वर्ष 1995 में नगर निगम का गठन हुआ और मेयर पद का चुनाव हुआ, जिसमें जनता ने महापौर के लिए मतदान किया था। वाराणसी में पहली बार 1960 में नगर प्रमुख का चुनाव हुआ था। सहारनपुर की बात करें तो पहले चरण में यहां पर चुनाव हुआ था। सहारनपुर में नगर निगम के लिए दूसरी बार चुनाव हुआ है। बता दें कि 2017 में सहारनपुर पहली बार नगर निगम बना था और बीजेपी का पहला महापौर चुना गया था। दूसरी तरफ गाजियाबाद में जनहित मुद्दे इस बार सबसे ज्यादा हावी रहे। लोगों के लिए जरूरी यही रहा कि गाजियाबाद के प्रत्याशी किस हद तक उनके दिल में जगह बना पाते हैं। निकाय चुनाव के लिए आजमगढ़ नगर पालिका से दावेदारों की लंबी फौज लगी थी। जिले में अगर राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो सभी 10 विधानसभा सीटों पर सपा के विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में जीते हैं, जबकि आजमगढ़ लोकसभा से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट से भाजपा के दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीते हैं। ऐसे में जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताती है, ये 13 तारीख को पता चल जाएगा। कानपुर में 22.17 लाख मतदाता हैं और कारखानों के शहर कानपुर में 110 पार्षदों और एक महापौर के लिए वोटिंग की गई है। मतदान के लिए जिले को 29 जोन में बांटा गया। कानपुर में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। रामनगरी अयोध्या में निकाय चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। अयोध्या में महापौर की परीक्षा में कौन पास होगा, ये भी जल्द पता चल जाएगा। लेकिन ये कि सियासी समीकरण की बात करें तो
तो कामाख्या, बीकापुर और गोसाईगंज में पिछड़ी जाति का बाहुल्य है। नगर निगम में जहां सामान्य जाति का बाहुल्य है, वहीं जिले की कोई नगर पंचायत ऐसी नहीं जहां एससी एसटी आबादी का बाहुल्य हो। आबादी के अनुसार जिले में रुदौली नगर पालिका, भदरसा, कामाख्या, बीकापुर और गोसाईगंज में पिछड़ी जाति का बाहुल्य है। यूपी निकाय चुनाव के रण में सभी पार्टियों ने अपना दांव खेल दिया है। यूपी में चुनावी रंग भी काफी अच्छे से जमाया गया है। कहीं पर वोट प्रतिशत काफी अच्छे रहे तो कहीं पर वोट परसेंटेज के मार्जिन में काफी ज्यादा गैप भी दिखा। अब देखने वाली बात यह होगी कि 13 को यूपी निकाय चुनाव में किसका राज तिलक होगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।